गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीनों ही संकाय विज्ञान वाणिज्य और कला, इनकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो डेली रूटीन में रहती है। और आप यहाँ से है वो अपने जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन को अनवर जारी रख सके। हम जो बीए फाइनल ईयर की जो इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बुक है, इसमें हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पिछले जो हमारा परिवेश वीडियो था उसमें हमने गुटनिरपेक्ष का अर्थ और परिभाषाएं, सबसे पहले इस शब्द का गुटनिरपेक्ष नीति का जो गुटनिरपेक्ष नीति शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, वीके कृष्ण मेनन भारतीय थे, और गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, तो ये सारी बातें इनका हमने अध्ययन किया था, जॉर्ज लिस्का ने किया था। और गुटनिरपेक्ष को तीसरे देशों का किसने कहा था, अल्फ्रेड सोबी ने कहा था। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में देखी थी। गुटनिरपेक्ष नीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग वीके कृष्ण मेनन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का, और गुटनिरपेक्ष देशों को तीसरी दुनिया का देश किसने कहा था, अल्फ्रेड सोबी ने कहा था। ये बातें हमने पढ़ ली। ये 1945 से लेकर 1990 के मध्य का जो समय था वो शीत युद्ध का समय था। इन सारी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसके बारे में आगे की जानकारी है वो हासिल करेंगे। अब देखो, इस बात का ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष के आज तक है वो कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो वर्तमान तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 2019 तक कितने हो चुके हैं, 2019 तक 18 हो चुके हैं। पिछली बार 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से इसका सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है, वो 19वां शिखर सम्मेलन था। इन बातों का ध्यान रखना है। ये हम अध्ययन कर चुके हैं कि इसका जो शिखर सम्मेलन है वो प्रति 3 वर्ष होता है, और 1983 में इसका एक जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हो चुका है, भारत में। 1983 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, भारत में, और वो कौन सा था, सातवां था। कौन सा था, सातवां। यहाँ से हर बार एग्जाम आता रहा है, उस समय पूछ ले प्रधानमंत्री, हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आज हम एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसके पर्यवेक्षक देश कितने हैं, पूछ ले विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नेम के पर्यवेक्षक देश कितने हैं, तो कितने हैं, 17 देश है। कितने देश है, 17 देश है, पूछ ले एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। उसके बाद में नेम के, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ये नेम है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके कर्णधार इसमें से कौन सा देश नहीं है, या कौन सा व्यक्ति इसमें से कर्णधार है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कर्णधार है वो इसके 3 देश, और 3 देशों के प्रमुख भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कर्णधार इसके 3 थे। दूसरा है वो युगोस्लाविया, और युगोस्लाविया के कौन थे, मार्शल टिटो। कौन थे, मार्शल टिटो, और मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर। इन तीनों बातों का ध्यान रखना। कर्णधार का पूछ ले तो कर्णधार 3 व्यक्ति है, कौन कौन, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, युगोस्लाविया के मार्शल टिटो थे, और मिस्र के कौन थे, अब्दुल गमाल नासिर थे। इस बात का ध्यान रखना है। और संस्थापक पूछ ले कि नेम के संस्थापक कितने देश है, तो संस्थापक है वो 5 देश है। कितने देश है, कर्णधार का ध्यान रखना। यहाँ से हर बार क्वेश्चन 2 नंबर वाला या 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। कर्णधार कितने हैं, 3, भारत, युगोस्लाविया और मिस्र, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टिटो, और मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर। तो पूछ ले संस्थापक गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नेम के संस्थापक देश कितने हैं, तो कितने देश है, 5 देश है। तो इसमें 3 तो ये हो ही गए, एक हो गया घाना, और घाना के कौन थे, वामे एनक्रुमा, और जो 5वां देश है वो है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्णो। हमने कल पढ़ा था इसका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो आपस में सहमति बनी थी वो बनी थी बांडुग सम्मेलन में। किस सम्मेलन में बनी थी, बांडुग सम्मेलन में, और बांडुग कहाँ है, इंडोनेशिया का यह द्वीप।
बांडू कहाँ है, इंडोनेशिया का द्वीप है, द्वीप है, और इसकी हमने पढ़ा था कि जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इस गुटनिरपेक्ष जो ये नेम है, इस नेम का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हमने पढ़ा था इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ, जकार्ता में। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि उसने पूछ ले कि कर्णधार कितने हैं, तो तीन, भारत, यूगोस्लिया और मिस्र, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लिया के मार्शल टिटो, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कितने हैं या इनमें से कौन सा इसका संस्थापक नहीं है, तो इनका ध्यान रखना है दो, घाना का वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। इस बात 1955 में जो बांडू सम्मेलन हुआ था, बांडू कहाँ है, इंडोनेशिया में है, और इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, जकार्ता, और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इन बातों का ध्यान रखना है। जो ये पहला सम्मेलन हुआ था इसका, इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जो पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, और बेलग्रेड कहाँ है, यूगोस्लाविया की राजधानी था बेलग्रेड, और इस समय कितने देशों ने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था। इस समय कितने देशों ने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था, और इसके वर्तमान तक कितने हो चुके हैं, 2018 में इसका कौन सा सम्मेलन हुआ था, 19वां, कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान में, कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, और उस समय इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है, 120 देश हो गई है। कितने देश हो गए, 120 हो गए। अभी 120 देश है, इनकी संख्या 120 है, वो किस सम्मेलन में हुई, तो इस बात का ध्यान रखना है, 16वां सम्मेलन हुआ था, 16वां सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। इसका 16वां सम्मेलन, प्रति तीन वर्ष बाद में सम्मेलन होता है, 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में हुआ था, और इस सम्मेलन में इसकी जो सदस्य संख्या वो कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी हो गई, 120 हो गई। कौन से दो नए देश, एक तो फिजी और एक अजरबैजान। इस बात का ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सहमति है, इसकी नींव है, आधार है, वो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में, और ये बांडुंग कहाँ है, इंडोनेशिया में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, 25 देशों ने भाग लिया था। इसका जो 2018 में 19वां सम्मेलन हुआ था, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, और वर्तमान भी सदस्य संख्या 120 है। ये 120 कब हुए, तो ये जो 16वां जो इसका सम्मेलन हुआ वो तेहरान, ये ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था 2012 में, और इस समय दो नए देश फिजी और अजरबैजान है, इसके सदस्य बनने के बाद में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम की सदस्य संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। तो ये ध्यान रखना, फिजी 119वां और अजरबैजान कौन सा, 120वां, और जो इसका 18वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद भी वर्ष 2020 में, पिछली बार 2020 में इसका जो ये वर्ष 2020 में इसका जो दो हजार उन्नीस में हुआ था ये 1961 में हुआ था, कहाँ पर, बेलग्रेड में, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था। 2019 में हुआ था, कब हुआ था, प्रति तीन वर्ष बाद होता है, 2019 में 18वां हुआ था। 2019 में कितना हुआ था, 18वां हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और ये अजरबैजान और फिजी कब बने थे, 2012 में, ये 16वां हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में, और यहाँ पर फिजी 119वां और अजरबैजान 120वां। अब 2020 में, ये तो बात है 2019 की, और 2020 में इसका वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वर्ष 2020 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैश्विक महामारी या कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त पर आभासी गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन है, इसका सम्मेलन आयोजित किया गया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और पहली बार इन्होंने कभी किसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या हुए, ये सम्मिलित हुए, और वो भी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुए थे, आभासी रूप से, मतलब वर्चुअल बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की माध्यम से है इसने भाग लिया था, और इस सम्मेलन को क्या किया था, संबोधित किया था,
2020 में जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन हुआ था, इसमें 30 राष्ट्राध्यक्ष, अन्य देशों के नेता, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस और WHO के जो प्रमुख है अध्यक्ष, इन्होंने भी इसको क्या किया था, संबोधित किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है वर्तमान तक इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है वर्तमान तक अब कितने हो गए, 19 हो गए। 18वां है वो अजरबैजान के, और ये भी जो था वो कहाँ था, अजरबैजान के बाकू से इसको संबोधित किया था, हालांकि अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया था, पर केंद्र ये क्या था, अजरबैजान का बाकू ही था। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, 25 देशों ने भाग लिया था, इन देशों की संख्या वर्तमान 120 है। ये कब हुई, जो 16वां अधिवेशन हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में 2012 में हुआ था, इसमें दो नए देश, एक तो फिजी और एक अजरबैजान, इन दो की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में, सदस्यता है वो हासिल करने के बाद में इनकी सदस्य संख्या 120 हो गई। तो ध्यान रखना 119वां फिजी है, 120वां अजरबैजान है, और 2019 में इसका जो 18वां सम्मेलन है, 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले 2016 में हुआ था उसमें भी उन्होंने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने भाग लिया था, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो 2020 में जो इसका जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, 19वां सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या लिए थे, भाग लिया था, संबोधित किया था, और 30 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या लिया था, इस सम्मेलन में भाग लिया था, इस बात का ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है या जो महासचिव है कौन, एंटोनियो गुटरेस, और WHO के महानिदेशक या अध्यक्ष है, उन्होंने भी इसको क्या किया था, संबोधित किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है वर्तमान आज हमने, और बांडुंग है 1955 में इसका आधार नींव लगी थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। बांडुंग का इंडोनेशिया में, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जकार्ता में है, जकार्ता भी कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसके कर्णधार 3 है, भारत, युगोस्लाविया और मिस्र देशों का पूछ ले तो, और ये जो उस देशों के जो नेतृत्व करता है राष्ट्रपति नेहरू, मार्शल टिटो और अब्दुल गमाल नासिर है। तो संस्थापक 5 देश है, उसमें घाना का वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो, इस बात का ध्यान रखना है। मैं ऐसे बोल गया था कि भाई वर्तमान तक यह 2019 में हुआ था, ये 18वां था, ये कहाँ हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, ये भूल से अगर हो गया तो इसका ध्यान रखना है 2019 में 18वां हुआ था, इसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रपति किसने, वेंकैया नायडू ने क्या लिया था, भाग लिया था, इस बात का ध्यान रखना है। और जो 19वां है वो वर्चुअल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, ठीक है, केंद्र इसका अजरबैजान का बाकू ही था, इसमें पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया, इस बात का ध्यान रखना है। और वो उसको वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, आभासी था, प्रत्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो ये है, और ये 2020 में हुआ था, इस बातों का ध्यान रखना है। तो आज तक इनके है वो 19 हो चुके हैं, ये 120 देश सदस्य है, बाकी की हम चर्चा हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।